दर्शकों, डीएनएक्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम स्वागत करते हैं अतिथि व्याख्याता संस्कृत महाविद्यालय रायपुर ज्योतिष विभाग ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर संतोष तिवारी जी का। सबसे पहला सवाल मेरा है कि कोरोना संक्रमण पर पूर्व के ज्योतिषीय दृष्टि में ग्रहों की गणना कह रही थी कि मई माह तक यह नियंत्रित हो जाएगा, परंतु संक्रमण बढ़ता दिख रहा है, ऐसे में क्या कहते हैं ग्रह? देखिए, जो भी मैंने सवाल का जवाब दिया है ज्योतिषी गणना के हिसाब से या ज्योतिषियों का जैसे कहन कथनानुसार, तो इसका ये रहा है कि अभी ग्रहों में कुछ बदलाव कुछ दिनों से जो आया है, जैसे कि अभी शनि वक्री हुआ है मकर राशि में स्वग्रही होकर के, और शनि जो है वो छोटे तबके के लोगों का, मजदूर लोगों का कारक होता है, जो चौथे घर में है, जो जिस स्थान पर थे मजदूर, तो वह बाहर से वो मजदूर जो है अपने घर की ओर, अपने गृह ग्राम की ओर वो प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि यह शनि जो है मजदूर तबके का, छोटे वर्गों का यह कारक ग्रह है और उस पर वो दया दृष्टि बनाने वाला ग्रह है शनि, और शनि स्वग्रही है और दूसरा वह वक्री हो गया है, तो वक्र चार होने से, ग्रह के वक्री होने से शनि का, इसलिए मजदूर तबके के लोग जो हैं वो बाहर से अपने गृह ग्राम में जब वो प्रवेश कर रहे हैं, तो ग्रह हमारा ये कहता है कि चौथे घर में जग लग्न के अनुसार मंगल शनि और गुरु विराजमान है, तो वहाँ पर गुरु भी वक्री है और गुरु भी मने नीच के राशि में है, तो दया बनाने वाला जो ग्रह है छोटे तबके के लोगों पर शनि, वो जब अपने गृह ग्राम में प्रवेश कर रहे हैं, वो भूखे प्यासे रह करके जब वो आ रहे हैं थक हार करके, तो ये है कि सूर्य ऊंचस्थ का है सप्तम भाव में, तो उसको पूर्ण रूप से वह बीमार इसलिए हो रहे हैं कि करोना जो है वो तापक्रम को बढ़ा करके, जो बुखार को वह बढ़ाता है, फीवर को बढ़ाता है, और वह शरद गर्म के प्रभाव से वह सर्दी जुकाम उनको हो जा रहा है, जिसके कारण वह करोना का प्रकोप बढ़ रहा है। लेकिन स्वग्रही मंगल जो मकर राशि में ऊंचस्थ का है, वो यह कहता है कि घर में रह करके ही, क्वारंटाइन करके ही हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, इसलिए वह जब वह क्वारंटाइन होंगे, वो अपने घर में जब वह रहने लग जाएंगे, जो मजदूर है वो अपने जगह में प्रिकॉशन करने लग जाएंगे, वह ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और कुछ दिन में यह नियंत्रित रूपरेखा के रूप में यह दिखाई देगा। पंडित जी, मेरा अगला सवाल है कि अब हिंदुस्तान में आवागमन जो है शुरू हो गया है, मजदूर आ जा रहे हैं, ज्योतिषीय आकलन के अनुसार इसके बाद की स्थिति क्या बनती है? अब मजदूर जैसे आवागमन के बारे में मेरा कहना है कि जैसे कि मैंने कहा कि जग लग्न के हिसाब से जो भी गणना कहा गया था या कहा जा रहा था, और जो कहा आगे जो कहा जाएगा, तो वह जग लग्न के हिसाब से ही कहा जाता है। तो जग लग्न का ये कहना है कि मजदूर का आवागमन संचार जो है वह मई महीने से चालू हो जाएगा, 15 मई के बाद, ऐसा 12 मई 15 मई के बाद यह प्रारंभ हो जाएगा, ये कहा गया था, तो उस हिसाब से आवागमन संचार आदि सब चालू हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं, जिसके कारण उनका आवागमन मैंने प्रारंभ हुआ है, और कुछ लोगों के लिए ट्रेन स्पेशल मैंने सरकार चला रही है, और ट्रेन के माध्यम से लोगों का आवागमन बढ़ा है, और इस प्रकार से जब आवागमन जब बढ़ा है, तो उनके आवागमन से निश्चित तौर पे उनको क्वारंटाइन की आवश्यकता है, क्वारंटाइन से ही इसको निजात पाया जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह स्व ऊंचस्थ का होकर के चौथे भाव में है, चौथा भाव जो है वह गृहस्थ या घर का कारक होता है, शुभ भाव माना गया है, इसलिए वह माता भाव भी उसको कहा गया है, तो माता भाव में स्वग्रही ऊंच का मंगल होकर के और स्वग्रही शनि होकर के, वह क्या है कि वह माता घर या गृह ग्राम मातृभूमि कहा गया है, मातृभूमि चौथा भाव ही होता है, चौथे भाव से ही विचार किया जाता है, इसलिए मातृभूमि पर जब वह रह करके क्वारंटाइन होकर के, जब वह मजदूर जब विश्राम करेंगे, अपने अपने घर में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक वह प्रिकॉशन से, दवा से, और वह निजात पा सकता है, और वह जो ग्राफ है जो एकाएक आने से आने का योग बना, वो शनि के कारण हुआ,
शनि वक्री ही, शनि हुआ चौथा घर में, स्वग्रही जो शनि है वक्री हुआ है, उसके कारण उनका बाहर निकलना हो, माने बाहर से उनका अपने गृह ग्राम में आना हुआ, मातृभूमि में आना हुआ, और उस मातृभूमि में जब आ करके वो क्वारंटाइन होंगे, वो धीरे 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 वो कम होता चला जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी और अन्य प्रदेशों में भी यह कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि लाखों के तादाद में मजदूर जो हैं वो बाहर से भारत देश में आए हैं, इसलिए भारत देश में हमारे यहाँ कोई जनता को उसमें चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, पंडित उनको चिंता का कोई जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे निजात पाएंगे। जी, आर्थिक एवं व्यावसायिक स्थिति क्या कहती है ग्रहों के आधार पर? जैसे कि जो भी अभी सवाल जवाब या जो भी अभी तक के कहा गया है वह सब तो जग लग्न के अनुसार ही कहा गया है, क्योंकि जग लग्न जो है प्रत्येक पंचांगी ग्रह के हिसाब से एक वर्ष का गणना को वह अवलोकन करते हैं, और एक वर्ष के गणना के हिसाब से जनमानस में या देश की स्थिति पर, विश्व की स्थिति पर उसमें विचार विमर्श किया जाता है। इसलिए जग लग्न चक्र के अनुसार देश के आर्थिक स्थिति का सवाल है, तो आर्थिक स्थिति जो है वह शुक्र जो है अष्टम भाव में स्वग्रही वृषभ राशि में विराजमान है जग लग्न के हिसाब से, और वह धन भाव में वह पूर्ण रूप से दृष्टि देता है मंगल के राशि में, वृश्चिक राशि में, और धनेश जो है वृश्चिक राशि उस दूसरे स्थान का मालिक है मंगल, वह चौथे हाउस में, चौथे घर में वह मकर राशि में उच्चस्थ का है। तो इससे यह प्रतीक होता है कि मंगल जो है वह किसानों के लिए और किसानों के लिए और हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है, तो जो फसल होगा आने वाले समय में, जो फसल तैयार होगा नवंबर दिसंबर में, तो उस समय आर्थिक स्थिति पर विशेष उठाव या विशेष रूप से माने विकास का स्थिति निर्मित होगा, और जब व्यापार जब चालू होने लग जाएगा, व्यापार चालू होने लग गया लगभग, और आगे वह व्यापार माने बढ़ने लगेगा और आर्थिक स्थिति धीरे 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 सुधरता चला जाएगा। और अष्टम भाव में जो शुक्र स्वग रही है वह 50 संस्कृति का, विदेशी संस्कृति का कारक है, इसलिए विदेश के भी कई उद्योग व्यापार आदि जो हैं वह छत्तीसगढ़ में आएंगे, और छत्तीसगढ़ में वह उद्योग स्थापित करेंगे, और वह उससे भी उसमें हमारे आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा। यहाँ पर कई प्रकार की फैक्ट्री प्लांट आदि भी यहाँ पर आ सकता है, जिसके कारण चाहे वो चीन से आए, चाहे विदेश से किसी भी प्रांत से आए, वह उसके कारण चलते, और यहाँ के युवाओं के लिए खासकर एक सुनहरा अवसर ये आएगा कि ऑनलाइन ही विदेश से यहाँ पर भारत में घर बैठे काम आने लग जाएगा, जिसके कारण युवाओं को विदेशों से स्वरोजगार का अवसर प्राप्त होगा, जिससे भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और विदेश का पूर्ण झुकाव जो है एक समय में भारत की तरफ माने झुकाव बनेगा, और खासकर नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वह मंगल क्योंकि स्वग्रही उच्चस्थ का है और कर्म भाव में उसका दृष्टि है, और कर्म भाव ठीक उसके सामने चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो पराक्रम भाव में गया है, इसलिए हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके स्वभाव के कारण वस्तुतः विदेश के सभी देशों के जो लोग हैं वो सब उसको, उसके ऊपर नतमस्तक होंगे और उसके कथन का वो स्वागत करेंगे। कोरोना धीरे धीरे विश्राम के चरम सीमा में जाएगा, और यह अक्टूबर नवंबर तक के पूर्ण रूप से निजात हो जाएगा, निजात पाया जाएगा, और अंतगत्वा जो कोरोना है पूर्ण रूप में यह महामारी जो है नवंबर के आसपास में यह पूर्ण रूप से समाप्त होना चालू होगा, ये कहा जा सकता है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? दर्शकों के लिए ऐसा है कि जग लग्न के हिसाब से चौथे घर में स्वग्रही मंगल है, तो आज भी दर्शकों को, आम जनता को, वह प्रिकॉशन उनको बरतना चाहिए, और प्रिकॉशन में ये है कि मास्क आदि का वो उपयोग करें, और जहाँ भी आते जाते हैं तो वहाँ पर अपना आज भी कई कई साफ में, कई कई जगह में हाथ धो लीजिए ऐसा कहते हैं, तो उसका अक्षर से पालन करें, सैनिटाइज आदि का प्रयोग करें। तो अब इसमें कोरोना में घबराने का दर्शकों को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन खाली ये जरूरी है कि उनको प्रिकॉशन का आवश्यकता है, यदि वो प्रिकॉशन करते रहेंगे, मास्क आदि का प्रयोग करेंगे,
और वह पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहेंगे, और वह सुबह प्रातः काल गर्म पानी आदि वह पीते रहेंगे, चाय आदि बीच बीच में पीते रहेंगे, और गर्म चीज़ों का कुछ सेवन बीच बीच में करते रहेंगे, जैसे काढ़ा आदि आयुर्वेद का उपयोग करते रहेंगे, और समय समय पर वो काढ़ा आदि का ये लेकर के भाप आदि वह गर्म पानी का लेते रहें, और तो इससे क्या है कि वो निजात पाया जा सकता है और उससे वो ठीक हो सकते हैं। इसका अभी तक के कोई विशेष रूप से दवा तो नहीं है, इसलिए इसका प्रिकॉशन ही प्रमुख रूप से इसका दवा है। हाथ बार बार धोते रहें, यही कहा जा सकता है आम दर्शकों के लिए, जनता के लिए। ये कह करके सभी जन को, सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ DNX TV की तरफ से।